बैक टू माई चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? सो आज डे टू और मैं पेरिस से डिज्नीलैंड की तरफ जा रही हूँ। जो भी लोग अभी पेरिस आने का सोच रहे होंगे और डिज्नीलैंड का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ और आज पूरा वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से क्या टाइम लगता है। तो जहाँ मैं रह रही थी वो बिल्कुल सेंटर पेरिस पे है, तो वहाँ से हम निकल चुके हैं। हमने कैब लिया है क्योंकि हमें लगा कि ट्रेन से बेटर कैब रहेगा, क्या हम जल्दी पहुँच जाएंगे और अपने अपने लोग होंगे, कम्फर्टेबल रहेगा। तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, क्या रहता है सब कुछ। तो ये वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिए। हम पहुंच गए डिज्नीलैंड। यहाँ पे ऐसा है, पूरी जगह बनी हुई है, मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो एक घंटा, बिल्कुल एक ही घंटा लग गया। गाड़ी में आना है इस बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ट्रेन की टिकट की सेम प्राइस थी गाइस। तो हमने कैब ही लिया, सबसे कम्फर्टेबल। और ऐसा भी नहीं है कि आपको लगेगा कि जाम लगेगा, क्योंकि मेन हाईवे पे। तो ये यहाँ बस गाड़ी यहाँ से रुकी, बट मेन एंट्रेंस यहाँ से डिज्नीलैंड की। तो यहाँ पे टिकट्स की है। हाँ, टिकट कलेक्ट करना है। ये तो खाने पीने वाला है, जहाँ पे भी जैसे खाते रहो। सो आप जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये पार्क वन ये है वॉल्ट डिज्नी, और ये पार्क टू यहाँ से डिज्नीलैंड। जैसे दो पार्क होते हैं, तो आपको देखना, अगर आप दोनों ही पार्क कवर करना चाहते हो तो पहला आप यहाँ से गए, यहाँ अलग से है और यहाँ अलग है, ठीक है। बट आपने यहाँ जान रहे हैं अभी डिज्नीलैंड वाले में। वॉशरूम जाना है तो डिज्नीलैंड के जो मेन गेट है वहाँ से अंदर आके यहाँ है आपको, और कहीं नहीं मिलेगा वॉशरूम। और ये लाइन जो लग रही है ये अंदर जाने के लिए, इतनी लंबी लाइन, सुबह के 10 बजे भी इतनी लंबी लाइन है, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी आ जाओ, अपना अपना टिकट लगा के निकलो यहाँ से। कम ऑन। दिस इज डिज्नी वर्ल्ड। तो यहाँ अंदर आके आपको ऐसे दिखने को मिलेगा, जिसने डिज्नी मूवी देखी होगी, कार्टून देखता होगा, उसको तो समझ आ जाएगा भाई कि सेटअप कैसा होता है। कैसल जाना है डिज्नी कैसल। बोट आ गया, ये आगे से टिकट लेना, और यहाँ हमने ये राइड लेने के लिए लाइन लगी हुई है नीचे से, और आगे तक लाइन लगी है, ये राइड करने जाने के लिए। ये यहाँ पे राइड करना है हमें, पूरी लाइन लगी हुई है। फ्रेंच रेस्टोरेंट में तो कल हम एक बार जाके वापस निकल के आ गए थे, क्योंकि कुछ समझ नहीं आया था। तो यहाँ रेस्टोरेंट में अभी इतनी लंबी लाइन है यहाँ पे, और ये अगर विदाउट ट्रे आपको सीटिंग भी नहीं देते। ऐसा नहीं कि कोई लोग लेके आओ और कोई खाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। खाने का सिर्फ एक बोरीतो वगैरह रखा है। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं, लाइन पे है लोग लेने के लिए। और यहाँ पे आप देखो रेट कितने 12 पाउंड 14 पाउंड के। खाना बस यही मिलेगा और लाइन इतनी लंबी, खान के ही निकल गया। इतने से खाने के लिए कितना पे किया? 46 यूरो चार चीज के लिए खाने बगैर। अब ये तो चूरोज खाओगी, चिप्स बोलोगी, बट ड्यूटी लगे सब खा लो, खा सकते तो खा लो।
मिलता सब कुछ है अंदर ही, रेस्टोरेंट है और पॉपकॉर्न से सब कुछ मिलता है अंदर ही, सब कुछ मिलता है घर के अंदर ही। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमने अभी अभी किया है ये ट्रेन राइड एंड बहुत गुड था, इट वॉज वेरी गुड। ये जो आप देख रहे हैं ये वॉशरूम है, और अब आप अगर अंदर जाओगे तो बहुत बड़ी है अंदर से और बहुत क्लीन है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, इट इज़ वेरी क्लीन। अगर आप रिजर्वेशन करवाइएगा, जब हमें यहाँ जाना है लायन किंग देखने के लिए, अगर आपने रिजर्वेशन कराई है तो लाइन वो है, नहीं करवाइए तो ये हमारी लाइन है। और आप देखो ये वीड डिज्नी पार्लर देखने के लिए, ये सब यहाँ तो जैसे ये आप देख रहे हो ना पायरेट्स ऑफ कैरिबियन या मिकी माउस वाला, तो यहाँ पे क्या है डिज्नी में कि आपको हर एक थीम पे कुछ ना कुछ दिखाते जाएंगे। तो जैसे आप ये देख सकते हो जैक स्पैरो वाला जो इसका अपना मूवी है उसके रिलेटेड पूरा एक थीम पार्क जैसा बना दिया, जिसमें आपको बोट में बिठा के पूरी जगह घुमाते रहेंगे, जो उनका एरिया होगा एक एक एरिया कवर किया होगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कोई कैस्टल है, कोई मिकी माउस का अपना है, कोई शोज़ है, कोई एडवेंचरस जो हम राइड वगैरह ले रहे हो, तो पूरा डिज्नी वैसे ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइड साइड में रेस्टोरेंट है, बीच में पानी बह रहा है, आपको बोट में बिठाएंगे और दिखाते रहेंगे घुमाते रहेंगे जो एक्चुअल थीम है उसके रिलेटेड। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था और बहुत जगह पे सेम ऐसा ही सीन है जो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि सेम टाइप के कैरेक्टर है। ये प्रिंसेस पवेलियन कैसल जैसा बनाया हुआ है, बहुत
कुछ है अंदर। एक दिन में तो मतलब यहाँ घूम के आप खत्म ही नहीं कर सकते। हमारा टाइम होने को आ गया, अब हमारे ऐसा लगता है कि हम फटाफट बाहर बाहर से ही देख ले सारा कुछ कि जो जो रहता है, अब अंदर अंदर जाके नहीं देखेंगे या कोई राइड्स नहीं लेंगे। हमने दो तीन राइड ले लिया बस। अब ये जो है ये मैं ट्री हाउस पे चल रही हूँ। ये ट्री हाउस बनाया गया है और ये एक्चुअल में ट्री हाउस नहीं है, बस ऐसे ही बनाया गया है सारे पत्थर से ही, सीमेंट से ही। डिज्नी टूर का सबसे बेस्ट पार्ट है आपका लाइटिंग शो, लेजर लाइटिंग शो, जो स्टार्ट होता है 11 बजे के बाद। 11 बजे तक इतने लोग ऐसे रहते नहीं रुकते। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप डिज्नीलैंड गए हो तो 11 बजे तक रुक के ये शो देख के जरूर आना। वन ऑफ द बेस्ट शो है और लाइफ टाइम मोमेंट से पता नहीं आप कब वहाँ पर जाओ या ना जाओ, क्योंकि ये एक घंटे का ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट एक घंटे में भी आप इतना कुछ देखने को मिलेगा। फायरवर्क्स होगा, लेजर लाइटिंग होगा, जितने भी डिज्नी कैरेक्टर होंगे सब दिखाएंगे। तो ये देख के ही लौटना, क्योंकि 12 बजे के बाद तो फिर कुछ होता ही नहीं है, बंद ही हो जाता है। तो वापस ही आना है, वो पता नहीं लाइफ में आप कब वापस जाओ या ना जाओ। तो ये देखे भी ना तो मत आना, ये मस्ट मस्ट बताऊंगी मैं आपको। तो ख़त्म हो गया, यहीं तक था बस। अब हम वापस लौट रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में।